मैंने उसको बोला कि अभी यूट्यूब का पेमेंट आया नहीं, ठीक है, मतलब और पता है ना कि यार कुछ नहीं आया, मेरा दिल ही नहीं कर रहा, बोलने का दिल ही नहीं कर रहा है। मतलब बदतमीजी की भी हद होती है यार। क्या बदतमीजी कर दी उसने, बताओ ना उसको क्या किया उसने, क्या बोला? अरे छोड़ यार, मेरी गलती है, क्या क्या तू बोल के क्या बोलेगी उसको? नहीं तुम बताओ क्या बोला उसने। उसने बोला कि कल से लेके आना मत रूम में। इतनी हिम्मत हो गई उसकी? अरे गलती मेरी है ना यार, मैंने 3 दिन लेट हो गया, रेंट नहीं दिया ना, वो हो गया यार। रेंट क्या हुआ तुम, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया? अरे कुछ ना, छोड़ यार। तुम तो रेंट दे देते थे अपना टाइम। अरे हो जाता था, लेकिन छोड़ इस बात को, बाकी बात। अरे बताओ तुम क्या बाकी बात। अरे छोड़ वो मेरा पर्सनल मामला, मैं कर लूंगा। अरे पर्सनल तो मैं भी तो पर्सनल बात बताती हूँ अपनी सारी, तुम भी तो बताओ ना, एटलीस्ट शेयर तो करो। अरे नहीं मतलब बात ये है कि मैंने जैसे हर महीने देता था रेंट वगैरह, ठीक है, तो अच्छे से कभी मैंने लेट नहीं होता। इस वक्त डॉलर बना, मतलब यूट्यूब पे नहीं आया पेमेंट, ठीक है, यूट्यूब नहीं चल रहा है ठीक से, नहीं चला मतलब, ठीक है, तो एक महीने का पेमेंट बना ही नहीं, $80 भी बने अभी, तो क्या करें फिर। वो मैंने बोला कि अंकल इस महीने नहीं दे पाऊँगा, वैसा वैसा अगले महीने ही कर लूँगा मैंने। तो वो पहले तो एक दिन मना हाँ बोला कि ठीक है, उसके बाद में चिल्लाने लगा। तो हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छी वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ पे आप घर बैठे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, जिसका नाम है मोस्टबेट। और यहाँ पे रजिस्टर करते ही आपको मिलेंगे 125% बोनस मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे बहुत सारे गेम खेल सकते हैं, जैसे कि अंदर बाहर, तीन पत्ती और भी बहुत सारे गेम। तो रजिस्टर करने के लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर चाहिए जहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो दोस्तों। डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए आप आसानी से UPI के थ्रू आप कर सकते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह। तो डिपॉजिट करने के बाद आप बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हो, और अर्न किया हुआ पैसा आप आराम से बैंक के अंदर विड्रॉ भी कर सकते हो। तो दोस्तों देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप डाउनलोड करो, बहुत सारे पैसे अर्न कीजिए। तुमसे उसने बोला कि चले जाओ, 3 दिन मतलब तुमने लेट कर दिया, तुमसे वो कह रहा है जाओ। मैंने जिस दिन रेंट होने वाला था ना, बोला हाँ। आज जैसे रेंट खत्म हुआ था, मैंने मुझे यार उससे मिलना है। क्या कैसे बोल दिया उसने तुम्हें कि जाओ निकलो, क्या तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है? या वो पैसे नहीं दिए ना, वो बड़ा नहीं है, गलती तो हमारी है। क्या गलती है 3 दिन में, कोई ऐसे बोलेगा घर से निकलो? अरे मतलब 3 दिन तो कुछ नहीं बोला था, बात ये है कि मैंने बोला कि अगले महीने दूंगा, तो बोला कि अगले महीने नहीं हो पाएगा, इस महीने ही चाहिए। फिर मैं बोला नहीं हो पाएगा, तो फिर बोला कि भाई खाली कर दो, ऐसा ऐसी बात है। खाली करने को कह रहा है, कुछ क्या हुआ फिर तुम्हारा, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट बने नहीं। फ्रेंड से पूछा तुमने अपने, कुछ किसी से बोला? अरे सेविंग नहीं है क्या तुम्हारी अभी इस टाइम? अभी मेरे पास नहीं है ना, वही तो बात है। छोड़ यार इस बात को लेकर, और बाकी बाकी क्या कर रही थी घर पे? कुछ नहीं यार, मुझे लग रहा है मुझे टेंशन हो गई है। अरे कुछ ना, मैं कर दूंगा, कहीं से भी ला के ना, ब्याज व्याज से भी ला के कर दूंगा। तुम्हें क्या जरूरत है, कितने का रेंट है बताओ? 8,000 रुपया तो ज्यादा नहीं है, छोड़ ना, कोई बड़ी बात नहीं। मैं बता रही हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने फ्रेंड से बोला आपने? अरे कोई ना दे रहा यार, फ्रेंड मैं ऑलरेडी वो मांग, क्या बोल रहे हैं वो, बोलेंगे नहीं है मेरे पास। मैंने बोला तुम्हारे फ्रेंड जैसे ही है, पता है मैं तुम्हें स्टार्टिंग से कह रही थी कि तुम अपने फ्रेंड्स पे बिल्कुल बिलीव ना करो, तुम करते हो, लेकिन तब भी मेरी कोई बात नहीं मानते। अरे भाई पता है, बात ये है कि चलो ठीक है यार, एक बोल दिया तो बोल दिया, पर अभी बात ही ऐसी हो रही है तो क्या करें, मतलब पैसों को लेके ना कोई ट्रस्ट नहीं करता यार। ठीक है एक बार के, मतलब तुमने कितनी हेल्प की है सबकी, मैंने देखा है खुद से देखा, तुमने इतनी ज्यादा हेल्प की। अरे कोई कुछ भी कहता था तुम्हारा, बस कहते चिकित भाई तुम कर लो पहले अपना काम, तुम्हारे काम का टाइम कोई नहीं तुम्हें याद कर रहा है। सिर्फ 8,000 की बात है ना, अरे ना छोड़ो मेरे को ना, मैं बात अरे छोड़ यार, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं यार, पता है छोटी छोटी बात को लेकर पैसे वैसे अच्छा नहीं लगता, कोई ना मैं मैनेज कर लूंगा। और मैं मैनेज करूँ यार, तुम्हारा यूट्यूब भी नहीं चला, तुम इसी तो प्लेटफॉर्म में एक रन करते हो। अभी नहीं चल रहा क्या करें, तो किस्मत की बात होती है ना यार, अभी नहीं चल रहा वो तो 8,000 ज्यादा भी कर दूंगी यार, तुम्हें खुद को भी तो देखो, मतलब कैसे यूट्यूब नहीं चल रहा फिर कैसे क्या करोगे तुम? अरे छोड़ यार, मैं मेरे पापा से बोला है, मैं गांव से मंगवा दूंगा। पापा से बोला कि वो तुम्हें बोल रहा है तुरंत निकलो ना, ऐसा कैसे निकाल सकता है? अभी बोला तो क्या कर सकते हैं, अभी छोड़ यार जाने दे। इतने बदतमीजी से बोलेगा तुमसे, वो क्या समझता है अपने आप को?
गलती तो हम मेरी है। क्या गलती है? तुमने तुम नहीं हुआ तो वो समझ नहीं सकते। इतने टाइम से हो तुम उसके घर में, समझना तो चाहिए ना उसे। बोलो मैं तुरंत कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम तो मुझसे बिल्कुल खुल के बोलो। क्या सोच रहे हो तुम? थोड़ा सा और क्या बोला उसने? अरे कुछ नहीं, वो बदतमीजी से थोड़ा सा कर रहा था कि खाली कर दो, वरना ना ऐसे ही थोड़ा सा अलग टाइप से बोल रहा था, इसलिए मूड खराब। बाकी पैसे का तो कोई ना, मैं कर सकता कहीं से भी कर लूँगा, मतलब ये होता है ना। मैं बोला चलो पेमेंट आएगी तो दे दूंगा, लेकिन नहीं आया तो क्या करूँगा। अरे कुछ नहीं कहा, झगड़ा करेगी। अबे पागल हमारी गलती है तो क्या करें? तो मैं कुछ भी बोलेगा, वो ऐसे कैसे बोल सकता है? कैसे उसकी हिम्मत हुई? मुझे याद है तुमसे उसने एक बार पैसे मांगे थे, याद करो। 20,000 का उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो। अरे वो ऐसा कोई एहसान थोड़े नहीं रखता है। मतलब एहसान क्या? और तुम्हें कब दिया था उसने? तुम्हें याद है? कहा था किराए में हो जाएगा मैंने सब कुछ। देखो तो वैसे हुआ, अब छोड़ इस बात को, लेकिन कोई ना। मैं देख पता है टाइम तो मैं घर से निकाल रहा हूं। मैं नहीं आए, उनको देखेंगे हम जाके आज, देखेंगे। अरे नहीं कुछ नहीं बोलना। क्यों कुछ नहीं? अरे नहीं बोलना, छोटी बात है ये तो। नहीं करना झगड़ा वगड़ा किसी से, नहीं करते। कोई नहीं, आज मैं कहीं से बात करनी, कहीं से भी लाके मैं दे दूंगा उसको। मैं दे दूंगी तुम्हें, मुझसे बोलो, मुझे बस उससे आ जाके झगड़ा करना है। क्यों, क्या करे झगड़ा? क्यों पागल पागल हो गए? अच्छा इसी जगह अगर हम होते तो, जैसे हम किसी के रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, हम किसी के रेंट पे रखे हैं और वो अगर वो पैसा नहीं देगा तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है बदतमीजी से बात नहीं करेंगे, लेकिन उनको भी बोलेंगे भाई भाड़ा दो वरना खाली करो। हम भी तो ऐसे बोलेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमने अगर हेल्प ना की होती उसकी तो मैं कोई बात तो कुछ ना करी, तुमने उसकी हेल्प की है। प्रॉब्लम तो ये है ना, मुझे तभी तो दिक्कत हो रही है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हो गए हैं, बताओ। मैं कर दे रही हूँ, जो नंबर बता दो यार प्लीज, कौन सा नंबर है तुम्हारा? ऐसा करो अभी नहीं, मतलब जैसे शाम को आएगी ना तो डायरेक्टली उसकी दे दी, ठीक है? अभी रहने दो। पक्का? मैं कितने बजे आना बताओ, कितने बजे? 8 बजे घर पे जाऊँगा, 6 बजे आ जाना। पक्का 6 बजे मैं फ्री हो जाऊंगी उस टाइम, ठीक है? थोड़ा काम है बस वो निपटाना है मुझे। ठीक है 6 बजे फिर आ। और टेंशन मत लिया करो तुम फालतू में ऐसे लोगों के लिए। बताओ कितना मुँह तुमने लटका के रख लिया है? अरे छोड़ यार, पता है मुझे, मतलब कोई बदतमीजी से बात करता है ना, अच्छा फील नहीं होता, पता नहीं क्या हो गया। अभी वो उसको भी कुछ नहीं बोल सकते। अरे कुछ नहीं बोलना है बस, खाली डायरेक्ट बोलूंगी। क्यों ना बोलूं मैं? कभी तुमसे कुछ भी कहेगा ऐसे? समझ के क्या रखा है? छोड़ इस बात, कुछ भी आके कुछ भी बोल दो। रेंट पे रह रहे हो कि तुम उसका वो गुलामी थोड़ी कर रहे हो कि तुम्हें कुछ भी बोल दे आके? सर्वेंट थोड़ी हो तुम उसके, बदतमीज से बोल रहे हैं। छोड़ यार, तो यहाँ के तो लोग ऐसे होते हैं ना, थोड़ा सा एटीट्यूड होता है रेंट वाले। मैं बहुत एटीट्यूड होता है, तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल फ्री हो जाओ। तो कितने बजे आएगी? 6 बजे आएगी। हाँ हमारी शक्ल ही ऐसी क्या? शक्ल तुम्हारी ऐसी नहीं, बहुत अच्छी हो तुम। ऐसे कौन सी ऐसी शक्ल बना के रखी है उसको? तो आज तुम देखना, तुम्हारे सामने ही सब होगा, जो बेचारे को मार देगी। मतलब तुम कहोगे तो मार भी दूंगी। हाँ इतना गुस्सा मत क्या कर, नहीं ये गाल तोड़ दूंगा तेरे, गुस्सा नहीं करती। 6 बजे पक्का? और अगर तुम उस टाइम कॉल नहीं उठाए तो देखना मैं घर में आ जाऊंगी। कॉल क्यों नहीं उठाऊंगा पागल? चल ठीक है, तू ऐसा कर, तू जा, फिर हम बाद में बात करेंगे बात, ठीक है? उठाना मेरी कॉल का, प्रॉमिस प्रॉमिस करो। बाय, ध्यान रखना, ठीक है? ओके। गाइस देखा आपने क्या हो गया, 8,000 मिलने वाला है शाम को भाई फोकट के। नहीं लूंगा मैं, ठीक है? और ठीक है, दो से क्या कहना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको क्या समझ में आया इस वीडियो में, ठीक है? कमेंट ज़रूर करना, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी रेंट वेंट का कोई इशू ना है, ठीक है? हाँ लाइफ में दिक्कत तो आती रहती है,
और ये जो सिचुएशन है कई बार होती है रियल लाइफ में भी, पर हैंडल कर लेते हैं, और वो ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में होती है, होता रहता है, ठीक है, जिंदगी आगे पीछे होती रहती है, तो सैड ना हो और लाइफ में एंजॉय करो, ठीक है, चलो बाय बाय।